अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हीना और वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में फिर से एक धमाकेदार टेस्टमनी के साथ हाजिर हूँ। आपने पूरे YouTube पे ऐसी टेस्टमनी नहीं देखी होगी। आज का ये वीडियो काफ़ी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन होने वाला है आप लोगों के लिए, अगर आप भी बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए। मैं आपको बता दूं, मेरी ये पेशेंट अमेरिका की रहने वाली है। 2 IUI और 2 IVF फेल होने के बाद इनकी उम्मीदें टूट चुकी थी। 37 की उम्र में इन्होंने लो एमएच जैसी कंडीशन में वो कर दिखाया जो डॉक्टर्स के लिए नामुमकिन था। 2 IUI और 2 IVF फेल होने के बाद 37 की उम्र में लो एमएच जैसी कंडीशन में हीना हेल्थ के ट्रीटमेंट से विद इन 1 मंथ के अंदर इन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की। डॉक्टर्स भी हैरान हैं कि ऐसी कंडीशन में और इतनी एज में आपने कैसे कंसीव किया। इनकी ओवरीज नेचुरली स्टिमुलेट नहीं होती थी, यानी अंडे नहीं बनाती थी। एमएच काफ़ी लो था। डॉक्टर्स ने इनको काफ़ी हाई डोसेज की मेडिसिन और इंजेक्शन भी दी, लेकिन जब IVF करवाया इनका तो IVF भी फेल हो गया और एग क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। डॉक्टर्स ने इनको डोनर एग की सलाह दी। मेरी पेशेंट अमेरिका के हॉस्पिटल में खुद एक नर्स है और इनको सारा प्रोसीजर बहुत अच्छी तरीके से पता है। 2 बार IVF से गुजरने के बाद भी जब इनको प्रेगनेंसी नहीं हुई और 3rd अटेम्प्ट में डॉक्टर ने जब इनको डोनर एग की सलाह दी तो मेरी पेशेंट ने वो प्रोसीजर वहीं स्टॉप कर दिया, क्योंकि एज अ सिस्टर इनको भी पता था कि ये मेडिसिन और इंजेक्शन इनकी बॉडी को कितना हार्म कर सकती है। इन्होंने उसी टाइम पर डिसाइड कर लिया कि मैं अब नेचुरली ही कंसीव करूँगी, अदरवाइज मुझे कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। शादी के तुरंत बाद ही इनको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी और इनको एक बेबी भी है जो 6 साल का है, बट उसके बाद में ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी फेस कर रही थी। सेकेंड टाइम इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। अमेरिका में इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में दिखाया, काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट भी लिए। अमेरिका जैसे देश में इन्होंने काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट लेने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की। YouTube पे वीडियो स्क्रॉल करते टाइम पे अचानक से इनको हीना हेल्थ YouTube चैनल दिखा। बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद में इन्होंने हमारे चैनल पे ट्रस्ट किया और उसी ट्रस्ट से इन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट लिया। कंसल्टेशन के दौरान में मैंने इनकी रिपोर्ट्स चेक की और रिपोर्ट के बारे में इनको पूरा डिटेल में समझाया। ये समझाने के बाद में मैंने इनको ट्रीटमेंट दिया डाइट प्लान के साथ में। 2 महीने का मैंने इनको ट्रीटमेंट दिया था, बट लकीली 1 मंथ के अंदर ही इन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरी पेशेंट ने इंग्लिश में रिकॉर्डिंग करके भेजी है, बट आप लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, मैं आपको ये ट्रांसलेट करके भी बता दूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम गायत्री की टेस्टमनी सुनते हैं, कैसे उन्होंने कंसीव किया और ये आपके साथ अपनी टेस्टमनी किस तरीके से शेयर करना चाहती है। ये टेस्टमनी बहुत अच्छी है, दिल को छू जाने वाली है और यूट्यूब पर आपने इससे पहले ऐसी कोई टेस्टमनी नहीं देखी होगी। अगर आपने भी उम्मीदें छोड़ दिए हैं कि आपको प्रेगनेंसी कभी कंसीव नहीं हो सकती है, डॉक्टर ने आपको ला इलाज करार दे दिया है कि आप कभी मां नहीं बन सकते, तो भी आप प्रेग्नेंट हो सकते। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट को देखा है कि जिनकी उम्मीद नहीं थी, उन लोगों ने भी कंसीव किया है। आगे और भी ऐसी धमाकेदार टेस्टमनीज आने वाली है, ऐसी ऐसी कंडीशन में लोगों ने कंसीव किया है कि हम खुद हैरान रह गए कि कैसे कंसीव कर रहे हैं ये लोग। तो चलिए हम पहले गायत्री की टेस्टमनी सुन लेते हैं। हेलो, दिस इज़ गायत्री। आई एम 37 ईयर ओल्ड एंड फेसिंग सेकेंडरी फर्टिलिटी सिंस 6 ईयर्स। आई हैव 9 ईयर ओल्ड सन एंड आई वॉज ट्राइंग फॉर सेकेंडरी प्रेगनेंसी एंड देन आई फाइंड आउट दैट आई एम इट्स गिविंग मी हार्ड टाइम। सो 2 years ago, I went to the infertility specialist and that way I find out that I have low AMH, it was 0.6, and they advised, they first did IUI which was fail, and then they tried to do IVF, but before the day of the egg retrieval, they didn't find any egg in my ovaries, even though I took all the shots and hormones. So they told me that I have to use the donor egg, which I was like sitting back and I just need time to think about it, because using someone's egg as my second child, I was like not ready about it. So
एंड आई एम अ नर्स एंड आई नो दैट डूइंग द सेम प्रोसीजर एंड यूजिंग अनदर पीपल अनदर एग एंड गॉन थ्रू ऑल द इंजेक्शंस एंड एवरी थिंग इट्स नॉट सेफ फॉर माई बॉडी अनलेस आई डू माई ऑन सो देन आई डिसाइडेड दैट नो मैटर वॉट आई वॉन्ट सेकेंड चाइल्ड बट नेचुरल वे आई नो दैट वी हैव ट्रेजर इन अवर एशियन सीक्रेट एंड आयुर्वेदा बट आई डिडंट नो हाउ टू यूज एंड वेन टू यूज एंड आई डिड नॉट हैव एनी टिप्स एंड आई डिडंट हैव एनी गाइड दैट हु कैन गाइड मी वॉट टू डू वेयर एंड वॉट टू यूज So one day I was like checking all the YouTubes, but there is so many YouTubers who are giving these informations and I took like lots of time to listen everyone and then finally I got a trust on Hina Health after seeing all the her subscribers reviews and everything. So then I start using the Shatavaris and a woman's special drink and then I like let me just make an appointment and talk to her and explain my situations then I took an appointment and I spoke to her she explained me nicely according to my problems she gave me nice diet chart what I have to follow according to my problems oh by the way I forget to explain my problems my problem was like very very short cycle I used to get my period like within 20 days to 26 that's it then I have a low AMH it was 0.6 and searching all the videos and comparing to my all symptoms I had a PMS which is I didn't know after I seen Miss Hina's all the videos then I spoke to her and then we decide she told me to use the tips as a dalchini water lodra powder shatavari ashwagandha she sent me a nice diet plan she told me to do fertility massage lick up the wall positions hair wash treat kesari kalp chyawanprash and makka root for my husband guys believe me it was not easy to get this all stuff even though from the online they are not like deliver some of the stuff here but I did it and I will not lie I will tell that I did not follow all the tips honestly I only because I'm working full time and full time mom So I was only able to follow the Lodra powder, Shatavari, Ashwagandha. And yes, I was doing the seed cycling. She told me to do seed cycling, hair wash trick. And I did not follow the diet plan because it was not a fixed schedule for my dinners and lunch. You should take advantages that she give you whole diet plan for weekly and no doctors and no dietitians can do this. Really, there is no one who can explain the problems such a way and give the solutions such a way because even though you go to the doctor in United States I'm talking about in United States I know the different is a whole different scenario in India but here if you go to the doctor they will give you problem and they will straight forward to go to the solutions but they will never explain to you that why you have this and what you have to do before you go to the certain medication certain procedure what the food you should avoid what the food you should eat no they never do that I will say to all Hina Health subscriber who just watch videos and not like and scroll down it is worth it trust yourself and all her tips you really should try just follow the tips as your last resource like you don't have any other options this is your last options just use your resource that way
That way you get trust yourself and trust these all tips. Thank you so much for your all help and informations to Hina Health. And it's a great teamwork. You guys doing great, great job. I appreciate that. Thank you so much. फ्रेंड आप देख सकते हैं गायत्री ने कितनी ब्यूटीफुली अपनी टेस्टिमनी आपके साथ शेयर की है। गायत्री ने अपनी लाइव रिकॉर्डिंग में ये भी बताया कि जब डॉक्टर से हम कंसल्टेशन लेते हैं तो डॉक्टर्स हमें प्रॉब्लम के बारे में इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं करते, बट हमने इनको डीपली एक्सप्लेन किया सारी चीज़ें। हमने इनको एक कंसल्टेशन के अंदर 2 महीने का ट्रीटमेंट विद डाइट प्लान शेयर किया जो कोई डॉक्टर्स नहीं शेयर करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपना इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट अफोर्डेबल रेट्स में करें ताकि आप सस्ते दामों पे अपना इलाज भी कर सकें और कंसीव भी कर सकें। इसलिए हम आपको एक कंसल्टेशन के दौरान में 2 महीने का ट्रीटमेंट, डाइट प्लान और हस्बैंड वाइफ दोनों को भी गाइड करते हैं, दोनों को ट्रीटमेंट देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी हो सके, क्योंकि कॉन्सेप्शन दोनों से होता है। किसी एक को ट्रीटमेंट देने से काम नहीं होगा, दोनों को ट्रीटमेंट देना होगा, दोनों की बॉडी को रेडी करना पड़ेगा तभी तो वो कंसीव कर पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य और हमारा लक्ष्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनफर्टिलिटी केसेस को हम सॉल्व करें। जिन लोगों को डॉक्टर्स ने भी लाइलाज करार दे दिया कि आप कभी माँ नहीं बन सकते, हम उनको भी हेल्प आउट कर सके इनफर्टिलिटी से उभरने में और कंसीव करने में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हो सके तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जितने भी लोग इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं एटलीस्ट वो वीडियोस देखकर फॉलो करके कंसीव कर सके। साथ ही में आप लोग मेरा हीना हेल्थ और हीना बी हेल्दी दोनों चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारी टेस्टिमनीज, ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक मिलती है जो आपको कंसीव करने में हेल्प करती है। गायत्री ने मुझे अमेरिका से कंसल्ट किया था, देश भर से हर एक कोने से मुझे कॉल आते हैं, हर एक कोने से लोग मुझसे ट्रीटमेंट लेते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं। कोई हैदराबाद से कॉल करता है, कोई मुंबई से कॉल करता है, कोई दिल्ली से कॉल करता है, कोई चाइना से कॉल करता है, तो कोई अमेरिका से कॉल करता है। पूरे देश भर से लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हमारे ट्रीटमेंट के द्वारा कंसीव कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये एक प्राउड मोमेंट है। मैं उसके बाद में आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों ने मुझ पर इतना ट्रस्ट शो किया, थैंक यू सो मच आप लोगों का ट्रस्ट शो करने के लिए। इसी तरीके से आप हमारे साथ में रहिए ताकि हम और भी लोगों की हेल्प कर सके। जिस तरीके से गायत्री ने मुझे कंसल्ट किया, अगर आप भी मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं थ्रू टेलीफोनिक कंसल्टेशन, तो आपके स्क्रीन पे 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं और एक ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है। इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए आई वॉन्ट अपॉइंटमेंट, आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। ध्यान रखिए ये एक पेड कंसल्टेशन है और ये एक व्हाट्सएप नंबर है, इसलिए आपको कॉलिंग नहीं करनी है, ओनली व्हाट्सएप करना है। आप पूरे देश भर से कहीं पे भी है आपको मुझे मिलने नहीं आना है, आप डायरेक्टली मुझसे कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू रिपोर्ट शेयर करके अपनी सोल्यूशन ले सकते हैं इनफर्टिलिटी का। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।